आज राज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी, शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान सामाजिक संस्था कानपुर नगर द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु एक अनोखी और सकारात्मक पहल की गई, जहां डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी ने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी डायरी में उनके अभिभावकों के लिए मतदान करने हेतु संदेश लिखकर भेज रहे हैं, जिसमें वो अभिभावकों को प्रेरित करते हैं कि मतदान स्वयं करें, जरूर करें और अपने आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों और एवं अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने हेतु संदेश पढ़ाकर लोकतंत्र के इस पर्व में एक छोटा ही सही पर महत्वपूर्ण योगदान करें। उन्होंने कहा कि संस्था ही साथ ही साथ जो अभिभावक गण और उनकी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारियों, सदस्यों और शुभचिंतकों में से व्यक्ति विशेष सबसे ज्यादा अपने विभिन्न माध्यमों द्वारा जन जन तक उनके द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु सकारात्मक संदेश को पढ़ते और शपथ लेते हुए सेल्फी पोस्ट प्रेषित करेंगे, उनको मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान के अंतर्गत संस्था द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष मिश्रा ने कहा कि बहुत जल्द शकुंतला देवी राव शिक्षा सेवा संस्थान सामाजिक संस्था द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान के लिए एक हस्ताक्षर कैंप एक नुक्कड़ नाटक कानपुर नगर के प्रमुख चौराहों पर नेशन फर्स्ट वेटिंग वोटिंग मस्ट का आह्वान बुद्धिजीवियों संघ चर्चा संगोष्ठी स्कूलों और कॉलेजों में मतदान कर रहे तो मतदाताओं को जागरूक करें, जिससे कि कानपुर नगर में आपकी बार मतदान प्रतिशत पूर्व में रहे मतदान प्रतिशत से अधिक रहे बल्कि रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत रहे और कानपुर नगर के मतदाताओं को अपने अधिकार यानी वोट करने के महत्व पर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने पर्व गर्व को हो और लोकतंत्र की जीत हो। उक्त अवसर पर संध्या जी, शकुंतला देवी जी, स्कूल टीचर्स और अन्य लोग उपस्थित रहे। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का पर्व देश का गर्व है। मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान, आज मैं राज मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उपस्थित हूँ। चूँकि हमारे देश में पूरे भारतवर्ष में 13 मई को आगामी चुनाव होने वाले हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कानपुर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 13 मई 2024 दिन सोमवार को मतदान करने के लिए जरूर से जरूर जाएं, क्योंकि हमें देश का विकास करना है तो मतदान पहले करना है, पहले मतदान फिर जलपान। नेशन फर्स्ट वोटिंग फर्स्ट, यह बात हम सबको याद रखनी है। हमारी संस्था साथ ही साथ कानपुर नगर के मतदाताओं से अपील करती है, निवेदन करती है कि मतदान के दिन आप सुबह ही ना जलपान करें, उससे पहले मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके हमारे कानपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में वोट प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा रखें। और हमारे बच्चों के द्वारा आप देख सकते हैं कि छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। बच्चों, छोटे छोटे स्लोगन आप देख सकते हैं, आपकी बार 100% मतदान। कानपुर की जनता से आप लोग अपील कर रहे हैं ना, अपने अपने मम्मी पापा से आप लोग बोलेंगे कि पहले वोट डालने जाइए और फिर जलपान करिए, बोलेंगे आप क्या बोल रहे हो, एक वोट से जीत हार, वोट ना हो कोई बेकार। ये देखिए, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, जाएं वोट डालने जाएं, अपना वोट काम में लाएं, घर घर या संदेश पहुंचाएं, चलो मिलकर सबको जागरूक मतदाता बनाएं। और ये पास में लाइए मैडम, ये दिखाइए जूम करके, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, वोट है ताकत। चुनाव आयोग का ये है आह्वान, सबको करना जरूरी है मतदान, वोट देना अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। वोट हमारा है अधिकार, करें नहीं इसको बेकार। और मैं शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पीयूष मिश्रा जी भी उपस्थित थे और कैंपेन में हमारा साथ दे रहे हैं, तो देखिए ये आपसे कुछ बोलेंगे। देखिए, वोटिंग मस्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम, हम लोगों को अपने जीवन में ये बात रखनी है। और ये जो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये जो आज
13 मई को 2024 दिन सोमवार को कानपुर नगर के मतदाताओं को ये एक बार मौका मिल रहा है कि हम लोगों को अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को स्थापित करना है केंद्र में। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। तो जागरूक करने के लिए ये हमारी पहल संस्था की तरफ से आज हम लोग ये कर रहे हैं और निरंतर ये पहल हम लोग जारी रखेंगे। 13 मई की सुबह तक हम लोग ये पहल जारी रखेंगे कि पहले मतदान बाद में जलपान। पहले मतदान, सब लोग बोलिए पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, बाद में जलपान, बाद में जलपान। आप बोलिए पहले मतदान, बाद में जलपान। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कानपुर की जनता ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता से मैं अपील करता हूं कि आगामी 13 मई को वोट डालने जरूर से जरूर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय